Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार सरकार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अहिल्या देवी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जो हमने सीन देखा जिसमें मल्हार सरकार और अहिल्या देवी बात कर रहे हैं न्याय को लेके, समाज की सोच में बदलाव को लेके, उस पूरे सीन में एक चीज पूरी तरह से स्पष्ट सामने आई कि अहिल्या देवी ज्यादा स्ट्रांग है और ये बात मल्हार सरकार भी मानते हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिस इरा की ये बात हो रही है उसमें बहुत सारे ऐसे शासक हमने देखे हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं, जो अपनी भी मनमर्जी कर जाते थे, अन्याय कर जाते थे। तो फिर वहां पे एक ऐसे शासक को न्याय करने से इतनी हिचकिचाहट कैसे हो सकती है, वो न्याय करने में इतना सारा कुछ कैसे सोच सकते हैं। ये पहली बार मैंने देखा ये सीन, इसलिए मुझे लगा कि इस पे चर्चा करनी बनती है। जब रेणुका की बात आती है कि एक विधवा जो बच्चा पैदा नहीं कर पाई किसी भी कारण से, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि कसूर किसमें था, बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ, मगर उस समय भी ऐसा ही था कि औरत को ही दोषी ठहराया जाता था कि इसी में कोई कमी होगी इसीलिए बच्चा नहीं हुआ। खैर, इसमें उस समय इसमें कोई उसमें बहस में पड़ता नहीं था तो हम भी नहीं पढ़ते हैं, मगर फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से रेणुका बच्चा नहीं पैदा कर सकी और वो निसंतान औरत है, विधवा है। अब इसको कोई भी कहीं से भी कोई सहायता नहीं है, ये बात मल्हार सरकार भी कहते हैं समाज का सहारा लेके। अगर शासक ही ये बात सोचेगा तो क्या होगा जनता का। मुझे सच में बड़ा अजीब लगा सुन के कि जिस तरह मल्हार सरकार ने अहिल्या के सामने ये बातें रखी, जब अहिल्या ने पूछा कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये बात अहिल्या देवी पूछती है तो वो न्याय को लेके ही पूछती है, क्योंकि उसको पता है कि न्याय किस तरफ है, वो ह्यूमैनिटी पे विश्वास रखती है। और जब शासक जिसके हाथ में अहिल्या से ज्यादा अधिकार है, वो एक बार कुछ कह दे तो सब कुछ हो जाएगा, तो वो समाज को संतुलित करते हुए चीजों को कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, मगर वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं कि जैसे पहले हुआ शिक्षा की बात हुई तो कुछ लड़कियों ने शिक्षा ली, फिर जो भी आगे आगे हुआ जैसे अपना उद्योग की बात हुई तो कुछ महिलाएं आई आगे, मगर कुछ आई तो उनका मुद्दा ये था कि समाज में धीरे धीरे बदलाव आता है, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ही बदलाव आता है क्योंकि सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता है, मगर हर बार ये जो सोच बदलने वाली शुरुआत है अहिल्या देवी को ही करनी पड़ती है। चाहे बैकअप में मल्हार सरकार ने बहुत कुछ किया है, मगर सोच बदलने का बीड़ा अहिल्या देवी पे ही है और वही करती है, वही शुरुआत करती है, इसलिए वो हमेशा न्याय की बात करती है। मगर यहाँ पे इसलिए मैं उनको स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ अहिल्या देवी को मल्हार सरकार से, क्योंकि अहिल्या देवी के पास मल्हार सरकार जितने राइट्स नहीं है। अहिल्या देवी मां बनने वाली है, अहिल्या देवी जो औरत है जिसको बहुत जगह से टोका जाता है, घर में भी उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती है, बहुत सारे ताने उन्हें सुनाए जाते हैं, इमोशनली उनको डाउन किया जाता है, इस सारी सफरिंग के बीच में वो खिलती है कमल के फूल की तरह, जाती है न्याय की तरफ, जबकि मल्हार सरकार के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अपनी आई पे आए तो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मुझे नोटिस हुई जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसका दूसरा पहलू भी मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर करूं कि मल्हार सरकार एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति माने जाते हैं हिस्ट्री में, और मैं भी उनको अहिल्या में सारी क्षमता दिखती है, इसलिए वो हर काम अहिल्या के थ्रू ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वो स्पार्क उनको दिखता है, इसलिए वो इतनी सारी मजबूरियों का चिट्ठा अहिल्या के सामने खोल देते हैं कि ऐसे होता है समाज में, वैसे होता है, हमें करना तो होता है मगर करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, एक दो लोग जागते हैं बाकी नहीं जागते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होता है वगैरह वगैरह। या फिर ये भी हो सकता है कि अहिल्या को एकदम से ये आशा हो जाए कि न्याय हो ही जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, उसको इसके लिए उसको थोड़ा सा संभाला है। मगर ये पूरा सीन जो मेरी नजरों से मैंने आपके साथ शेयर किया है वो दो तीन चीजों को उजागर करता है, उसमें से कौन सी चीज है जो आपको लगता है, क्योंकि पहली चीज तो जो स्ट्रांग वाली बात कही है वो, दूसरी जो गुरु ने शिष्य को और ज्यादा मौका दिया है कि तुम करो,
मुझे तो पता है क्या करना है, मगर तुम करो, तुम आगे बढ़ो, एक तो ये हो सकता है। तीसरा जो भी मैंने आपसे शेयर किया है कि वो अहिल्या देवी पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और उनको पता है कि आगे भी अहिल्या देवी ही ये शासन बहुत अच्छे से संभाल सकती है, चाहे गद्दी पे हमारे परिवार में से कोई भी बैठा हो। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.